dear viewers you are warmly welcome in this lecture kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from biology guardian thank you ar-Rahim. Hello, dear students. Welcome to lecture number 15 of chapter number 22 of NBF Biology second year. And today, we are going to discuss the inheritance of coat color of Labrador retriever, which is an example of epistasis. So, let's begin the lecture. Bismillah, Rahim. लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने एपिस्टेसिस के बारे में डिस्कस किया था एपिस्टेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया था इसके अलावा एपिस्टेसिस का रिलेशन पॉलिजीनिक इनहेरिटेंस के साथ क्या है और एपिस्टेसिस और डोमिनेंस में क्या फर्क है ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं तो आज हम एपिस्टेसिस की दो एग्जाम्पल जो हमारे बुक में दी हुई हैं वो दो एग्जाम्पल्स हम कवर करेंगे उसमें एक एग्जाम्पल है कोर्ट कलर ऑफ लेब्राडो रिट्रीवर डोर रिट्रीवर डॉग की एक किस्म है और इसमें तीन किस्म के कोट कलर्स पाए जाते हैं यानी इनकी जो खाल का कलर है वो तीन मुख्तलिफ कस, अकसाम का है तो ये तीन मुख्तलिफ अकसाम के कोट कलर्स का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है किस तरह से किस पैटर्न पर यह कोट कलर लेब्राडोर रिट्रीवर में इनहेरिट होता है इस बात को हमने आज डिस्कस करना है लेब्राडोर रिट्रीवर में जो तीन कोट कलर्स पाए जाते हैं उन तीन कोट कलर्स में एक ब्लैक कोट कलर है इस तरह से ब्लैक कोट कलर दूसरा इसमें ब्राउन या चॉकलेटी कोट कलर आपको मिलेगा ब्राउन या इसको चॉकलेट कलर भी कहा जाता है और तीसरा इसमें येलो कोट कलर नजर आता है तो लैब्रेडोर रिट्रीवर में ये तीन किस्म के कोट कलर्स पाए जाते हैं इन तीन टाइप्स के कोट कलर का इनहेरिटेंस पैटर्न किस तरह का है तो ये जब स्टडी किया गया तो अंदाजा हुआ कि ये इनहेरिटेंस दरअसल एपिस्टेसिस टाइप की इनहेरिटेंस है यहां पर भी एपिस्टेसिस का फेनमिन आपको नजर आएगा इन इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ दिस कोट कलर ऑफ लेब्राडो रिटीवर दरअसल ये ब्लैक और ब्राउन कलर एक जीन लोकस से कंट्रोल हो रहे होते हैं और जबकि येलो कोट कलर इज कंट्रोल्ड बाय अनदर जीन लोकस दो डिफरेंट जीन लोसाई यहां पर इन्वॉल्व है उन दो डिफरेंट जीन लोसाई में जैसे आपको बताया कि एक लोकस जिसको आप चलें लोकस वन कह लें लोकस वन इसके ऊपर ब्लैक या ब्राउन कोट कलर को कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद है ब्लैक के लिए यहां पर हम जीन सिंबल यूज करेंगे एक कैपिटल जीन है जिसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये कैपिटल बी ब्लैक कोट कलर को कंट्रोल करता है और ये लोकस वन के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है और जबकि इसकी क्रिस्पॉन्डिंग स्टेट या इसकी अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव फॉर्म इसकी ब्राउन कोट कलर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन या चॉकलेटी कोट कलर और इस ब्राउन या चॉकलेटी कोट कलर के लिए जो जीन सिंबल होगा वो इसकी चूंकि रिसेसिव फॉर्म है उसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे अब अगर किसी टोर में इस लोकस के ऊपर लोकस वन के ऊपर जीनोटाइप प्रेजेंट हो कैपिटल बी कैपिटल बी तो ऑब्वियसली ब्लैक का ये जो कैपिटल बी है ब्लैक कोड कलर को कंट्रोल करने वाला कैपिटल बी ये जो कि ब्राउन के ऊपर डोमिनेंट है तो ऐसी सूरत में ब्लैक कोड कलर विल बी डेवलप्ड इन दिस जीनोटाइप और अगर किसी लेब्रोडोर के अंदर कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी इवन मौजूद हो तो तब भी ब्लैक चूंकि स्मॉल बी के ऊपर या ब्राउन के ऊपर ये डोमिनेंट है तो इस केस में भी ब्लैक कोड कलर विल बी डेवलप लेकिन अगर किसी केस में स्मॉल बी स्मॉल बी आ जाए तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि अब स्मॉल बी नहीं एक्सप्रेस करना है कैपिटल बी की मौजूदगी में ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता था लेकिन अब ये एक्सप्रेस करेगा और ऐसी सूरत में जो कोट कलर डेवलप होगा वो ब्राउन कोट कलर होगा येलो कोट कलर का कंट्रोल एक और लोकस के जरिए पॉसिबल होता है यहां पर एक और लोकस रिस्पॉन्सिबल है उसे कहते हैं लोकस टू आप उसको लोकस टू का नाम दे दें और यहां से येलो कोड कलर डेवलप होगा लेकिन येलो कोड कलर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो एक रिसेसिव जीन है उसे हम यहां पर स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल ई दरअसल येलो कोड कलर को कंट्रोल करता है और इसकी जो डोमिनेंट फॉर्म है डोमिनेंट फॉर्म जैसे आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो कैपिटल ई ड नॉट कंट्रोल येलो कोड कलर या फिर यूं समझ लें कि कैपिटल ई इनहेबिट्स द येलो कलर ये येलो कलर को इनहेबिट करती है इट इनहेबिट्स द येलो कलर अब देखिए कैपिटल ई जो कि इसकी डोमिनेंट स्टेट है ये येलो कलर को इनहेबिट करेगी लेकिन स्मॉल ई e, ये येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब यहां पर भी तीन जीनोटाइप्स इस लोकस के ऊपर पॉसिबल हैं। एक जीनोटाइप कैपिटल ई कैपिटल ई का हो सकता है तो ऑब्वियसली येलो कलर डेवलप नहीं होगा दूसरा जीनोटाइप कैपिटल ई स्मॉल ई पर मुश्तम हो सकता है तो ऑब्वियसली यहां पर भी येलो कलर डेवलप नहीं होगा तो येलो कलर सिर्फ और सिर्फ डेवलप हो सकता है जब ये स्मॉल ई स्मॉल ई जीनोटाइप मौजूद हो यानी इन दोनों केसेस में नो येलो कलर इन दोनों केसेस से येलो कलर डेवलप नहीं होना लेकिन अगर यह जीनोटाइप किसी लैबराडोर में मौजूद हो तो येलो कलर विल बी डेवलप। अब एक्चुअली होगा क्या देखो ये चूंकि येलो भी कोट कलर की एक किस्म है और ब्लैक एंड ब्राउन ये भी कोट कलर्स की अकसाम थी तो यहां पर ओवरऑल ये दोनों लस्ताए मिलकर कोट कलर को डिटरमिन कर रही हैं मिसाल के तौर पर अगर किसी लैबराडोर में ये जीनोटाइप मौजूद है कैपिटल बी कैपिटल बी और उसके साथ कैपिटल ई और कैपिटल ई मौजूद है तो ऐसी सूरत में कैपिटल ई की वजह से येलो कलर डेवलप नहीं होना क्योंकि आपको जैसे बताया कि कैपिटल ई येलो कलर की डिटर्मिनेशन को इनहेबिट करता है तो कैपिटल ई येलो कलर डेवलप नहीं होने देगा तो ऐसी सूरत में ये फिर यह जो ब्लैक कोट कलर का जीन है ये पूरी तरह से एक्सप्रेस करेगा और कलर डेवलप हो जाएगा ब्लैक इसका कोड कलर ब्लैक होगा लेकिन अगर ये कैपिटल बी कैपिटल बी के साथ कैपिटल ई और इधर से स्मॉल ई आ जाए तो ऐसी सूरत में भी चूंकि कैपिटल ई इज़ डोमिनेंट ओवर द स्मॉल ई तो ये जो पहला लोकस है कैपिटल बी ये पूरी तरह से एक्सप्रेस करेगा और नतीजतन यहाँ पर अगेन ब्लैक कोट कलर विल बी डिवेलप लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में कैपिटल बी कैपिटल बी के साथ यहां से स्मॉल ई स्मॉल ई जीनो आ गया तो स्मॉल ई e, आपको जैसे मैंने बताया कि ये येलो कोट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जब भी स्मॉल ई स्मॉल ई आता है तो ऐसी सूरत में लोकस वन के ऊपर जो भी जीनो हो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा चाहे वो ब्लैक का जीनो हो या ब्राउन के लिए यहां पर जीनो मौजूद हो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा यानी ये जो स्मॉल ई e है ये इसकी एक्सप्रेशन को हाइड कर देगा और यहाँ पर जो कोट कलर डेवलप होगा वो येलो कोट कलर बन जाएगा तो आपने देखा है कि ये जो स्मॉल ई जीन है ये कैपिटल बी जीन को इनहेबिट कर रहा है उसको हाइड कर रहा है तो आपने एक लोकस के जीन का ये इंट्रैक्शन ऑब्जर्व किया दूसरे लोकस की जीन के साथ तो ये इस तरह का जो इंट्रैक्शन होता है जिसमें एक जीन एक लोकस पर मौजूद दूसरे लोकस पर मौजूद जीन की एक्सप्रेशन को हाइड कर दे इस तरह के फेन को क्या कहते हैं एपिस्टेसिस एपिस्टेसिस तो ये की आपके सामने नजर आ रही है यहां पर एपिस्टेटिक जीन कौन बन रहा है कौन से जीन को आप एपिस्टे एपिस्टेटिक जीन कहेंगे तो एपिस्टेटिक जीन यहां पर ये स्मॉल ई e है स्मॉल ई इज द एपिस्टेटिक जीन जबकि कैपिटल बी यहां पर हाइपोस्टैटिक हो गया है क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन हाइड हो गई है और स्मॉल ई e ने इसकी एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया है और इसने अपना कलर येलो वो वो इम्पोज कर दिया तो ये एपिस्टेसिस किस तरह से एग्जांपल बन गई अच्छा मजीद हम पॉसिबिलिटीज़ अगर देखें तो मजीद पॉसिबिलिटीज क्या होंगी कि अगर यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप हो और इसके साथ ये कैपिटल ई कैपिटल ई अगर मौजूद है तो ऐसी सूरत में तब भी ब्लैक आएगा तब भी ब्लैक आएगा क्यों ब्लैक आएगा क्योंकि कैपिटल ई e ने येलो कलर को इनहिबिट करना है और जब येलो कलर वाले जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो इनकी एक्सप्रेशन के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कैपिटल बी जो ब्लैक कलर का जीन है वो वैसे ही ब्राउन पर डॉमिनेट होता है तो ब्लैक कोट कलर विल बी डेवेलप इसी तरह से अगर ये हेटोजाइगस स्टेट आगे भी इसी तरह से जाती है और इसके साथ ये हेटोजाइगस स्टेट आ जाती है तो तब भी आप देखिए ब्लैक कलर विल बी डेवेलप और फिर इसी तरह से ये तीसरी की अगेन आप देखिए अगर ये स्मॉल ई आ गया बेशक यहां पर स्टेट है तो येलो कोड कलर हो जाएगा आप फिर देखिए तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इधर आता है स्मॉल बी स्मॉल बी और यहां पर कैपिटल ई कैपिटल ई तो स्मॉल बी ये अब ब्राउन कोट कलर के लिए जीनोटाइप बन गया है क्योंकि ब्राउन कोट कलर स्मॉल बी स्मॉल बी के जरिए ही कंट्रोल होना है कैपिटल बी की मौजूदगी में ब्राउन कलर डेवलप नहीं होगा और दूसरी तरफ येलो कोड कलर को इनहेबिट करने वाले यहां पर जीन्स मौजूद हैं तो यहां पर ब्राउन कोड कलर डेवलप हो सकता है इस जीनोटाइप के साथ इसका कोड कलर ब्राउन हो जाएगा इसी तरह से ये स्मॉल बी स्मॉल बी अगर कैपिटल ई स्मॉल ई के साथ आ जाए तो तब भी ब्राउन कोड कलर डेवलप होता है लेकिन अगर ये स्मॉल बी स्मॉल बी के साथ इधर स्मॉल ई स्मॉल ई आ जाए तो ऐसी सूरत में कोड कलर क्या हो जाना चाहिए शाबाश बताएं आप मुझे Yellow, येलो हो जाएगा क्योंकि ये येलो के जो जीन है ये इसके एक्सप्रेशन को हाइड कर देंगे तो अब की दफा अगेन ये स्मॉल ई एपिस्टेटिक जीन बन गया और जबकि स्मॉल बी इस वक्त हाइपोस्टेटिक जीन है तो आप देख रहे हैं कि एक लोकस के जीन दूसरे लोकस के जीन के एक्सप्रेशन को हाइड कर रहे हैं तो येलो कोट कलर का जीन स्मॉल ई ये दरअसल एपिस्टेटिक जीन है जो लोकस वन पर मौजूद चाहे कैपिटल बी जीन हो ब्लैक कोट कलर वाला या फिर ब्राउन कोट कलर के लिए स्मॉल बी जीन हो ये स्मॉल ई दोनों की एक्सप्रेशन को हाइड करने की सलाहियत रखते हैं तो ये आपने रेंज ऑफ जीनोटाइप्स और ये रेंज ऑफ फिनोटाइप इसमें लेबराडोर में याद रखना है समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज पूछ जाती है कि राइट डाउन द रेंज ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन लेबराडोर इन कोट कलर ऑफ लेबराडोर तो आपसे अगर ये पूछा जाए ये रेंज ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप इन कोट कलर ऑफ लेबराडोर लिखने को कहा जाए तो आपने इस तरह से ये लिस्ट बनानी है ये तमाम पॉसिबल जीनोटाइप हमने लिख दी है और इनकी तमाम पॉसिबल फिनोटाइप भी साथ मैंशन कर दी है यहां पर ज़्यादा बेहतर तरीका ये होगा कि आपने इस तरह से दो कॉलम्स बनाने एक कॉलम के अंदर आप जीनो लिखें और उसके सामने उसकी फिनो को मैंशन करें यानी इसमें आपने ऐसा नहीं करना कि आप कहें कि भाई इसमें जीनो की तो ये रेंज इस तरह से लिख दें और फिनोटाइप सिर्फ तीन मेंशन कर दें कि भाई ब्लैक ब्राउन और येलो सिर्फ ये तीन फिनो टाइप है तो आप फिनोटाइप को हर एक जीनो के अगेंस्ट लिखेंगे तो वो ज्यादा अथेंटिक आंसर होगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में यहां से ये चीज़ पूछी जा सकती है और इसके अलावा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनको याद रखें किसी एमसीक्यू में भी ये जीनो टाइप देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फिनोटाइप क्या होगा या कोई फिनोटाइप बताकर उसके जीनोटाइप को पूछा जा सकता है किसी एमसीक्यू के अंदर अच्छा अब आप देखिए कि अगर इसका इनहेरिटेंस पैटर्न सॉल्व करने का कोई क्वेश्चन हो तो इनहेरिटेंस पैटर्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे मिसाल के तौर पर यहां अगर कोई जीनो हम लेते हैं दोनों लोकस के ऊपर होमोजाइगस स्टेट में अगर हम ये जीनोटाइप लेते हैं मिसाल के तौर पर कैपिटल बी कैपिटल बी और दूसरी तरफ कैपिटल ई कैपिटल ई और अगर हम इसको क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं एक और इंडिविजुअल के साथ जिसमें यहाँ पर स्मॉल बी स्मॉल बी और यहाँ पर स्मॉल ई स्मॉल ई है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस तरह की जीनो रखने वाले इंडिविजुअल्स का फिनोटाइप क्या होगा अभी मैंने आपसे ये शेयर किए हैं सारे फिनोटाइप्स तो आप देखिए कैपिटल बी कैपिटल बी और कैपिटल ई कैपिटल ई इसके साथ यहां पर फिनोटाइप होना चाहिए ब्लैक ब्लैक बहुत आसान है इसको याद रखना आपने लोकस वन पे देखना है अगर कैपिटल बी है तो ब्लैक है और साथ आपने इधर भी नजर रखनी है इधर स्मॉल ई नहीं होना चाहिए अगर स्मॉल ई आ गया तो यहां पर कुछ भी हो फिर ऐसी सूरत में येलो हो जाएगा और आप इसी तरह से यहां पर देखिए स्मॉल ई आ गया यहां पर अब कुछ भी है तो ये येलो हो जाएगा इसका कलर येलो है अगर आप इस तरह के दो लेबराडोर को आपस में क्रॉस करते हैं एक ब्लैक लेबराडोर है जो अपने जीनोटाइप के लिए होमोजाइगस है और दूसरा येलो लेबराडोर है जो अपने जीनोटाइप के लिए इस तरह होमोजाइगस है इनके दरमियान अगर आप एक क्रॉस बनाते हैं तो ऐसी सूरत में आप देखिए कि यहां पर जो ऑस्प्रिंग्स आएंगे वो किस किस्म के होंगे देखिए इस जीनोटाइप से जो आपके पास गैमिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं वो गैमिट्स कौन कौन से होंगे सिर्फ एक ही टाइप का गैमिट पॉसिबल है यानी हर गैमिट के अंदर आपको इस पेयर में से कैपिटल बी और इस पेयर में से कैपिटल ई e मिलेगा तो तमाम गैमीट इस इंडिविजुअल के इस तरह के होंगे और इस इंडिविजुअल के तमाम गैमीट्स इस तरह के होंगे अगर आप इन गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में यहां पर जो इंडिविजुअल्स पैदा होंगे तो सभी इंडिविजुअल्स में आपको यही जीनोटाइप नजर आएगा कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी और कैपिटल ई e के साथ स्मॉल ई e. तो बताइए इसका फिनोटाइप अब क्या होना चाहिए Black, जी ब्लैक होगा या ब्राउन या येलो ब्लैक ब्लैक होगा एग्जैक्टली होगा, exactly. क्यों ब्लैक होगा ब्लैक इस वजह से होगा कि ये कैपिटल बी स्मॉल बी पे डोमिनेंट है और इधर से ये जो कैपिटल ई e है जो येलो कलर को इनहेबिट करता है वो इस पर डोमिनेंट था तो येलो कलर इनहेबिटिंग जीन मौजूद है और ऐसी सूरत में फिर ये लोकस वन के जीन अफेक्ट नहीं होंगे ये अपनी नॉर्मल एक्सप्रेशन देंगे तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा तो सारे ऑस्प्रिंग यहां पर ब्लैक पैदा होंगे आपने देखा कि पेरेंट्स में एक ब्लैक पेरेंट था और दूसरा येलो लेकिन अब ऑस्प्रिंग्स में जितने भी ऑस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं इस जनरेशन के अंदर वो सारे के सारे ब्लैक हैं और अगर आप इस तरह के दो ब्लैक्स को आपस में क्रॉस करें इस तरह के दो इंडिविजुअल्स ने यहां पर इसको हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कहेंगे ठीक है सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि ये एनिमल है और एनिमल में एनिमल में सेक्सेस जो कि सेपरेट होते हैं इस वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है एग्जैक्टली exactly. लेकिन आप इसी तरह के जीनोटाइप को इसी तरह के जीनोटाइप रखने वाले एक दूसरे लेब्राडोर के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो ये क्रॉस इस तरह से बनेगा देखो ये कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉली e, इसको आप क्रॉस फर्टिलाइज करें इसी जैसे दूसरे इंडिविजुअल के साथ यानी इसी जनरेशन के अंदर जो दूसरा एक और ऑफस्प्रिंग होगा उसके साथ इसको आप क्रॉस करें एक इसमें से जाहिर मेल और दूसरी फीमेल होगी ये चूंकि एनिमल्स हैं तो यहां पर पॉसिबल है यहाँ पर वो सिस्टर एंड ब्रदर्स का कोई इस तरह का चक्कर नहीं होता तो यहां पर यह बिल्कुल चीज़ पॉसिबल है कि आप एक जनरेशन ऑप्टेन करें और उस जनरेशन के अंदर जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स हों उनको आपस में फिर क्रॉस कर लें तो ये देखिए ये सेम जीनोटाइप रखने वाले दो ब्लैक हैं इनके दरमियान अगर आप ये क्रॉस बनाते हैं तो इस क्रॉस के नतीजे में अब क्या रिजल्ट निकलने वाला है देखिए अगर ये भी ब्लैक फिनोटाइप रखता है और ये भी ब्लैक फिनोटाइप रखता है ये इंडिविजुअल भी तो अब इन दोनों की जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी तो ऐसी सूरत में आपके पास देखिए इस इंडिविजुअल से फोर टाइप के गेमिट्स पॉसिबल है कैपिटल बी कैपिटल ई के साथ फिर स्मॉल बी कैपिटल ई के साथ कैपिटल बी स्मॉल ई के साथ और स्मॉल बी स्मॉल ई के साथ फिर इसी तरह से दूसरे इंडिविजुअल से भी ऐसे ही चार गैमिट्स पॉसिबल हैं और इन फोर टाइप के गैमिट्स को इन फोर टाइप के गैमिट्स से अगर आप इस तरह रैंडमली फर्टिलाइज करें तो आपके पास ये पॉपुलेशन आती है सिक्सटीन इंडिविजुअल्स की और इन 16 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन में अगर आप इनके फिनोटाइप्स को डिटरमिन करें तो आपके सामने जो रिजल्ट बन रहा है वो कुछ इस तरह से है कि टोटल 16 में से नाइन इंडिविजुअल्स में आपको ब्लैक कोट कलर नजर आ रहा है नाइन आउट ऑफ सिक्सटीन और थ्री इंडिविजुअल्स में ब्राउन या चॉकलेटी कलर नजर आ रहा है थ्री आउट ऑफ सिक्सटीन और फोर इंडिविजुअल्स ये येलो कोट कलर के साथ पैदा हो रहे हैं तो यहां पर रेशो क्या बना है फिनोटाइप में रेशो बना है यहां पर नाइन रेशो थ्री रेशो फोर तो ये नाइन थ्री फोर रेशो हालांकि ये देखिए यहां पर चूंकि दो जीन पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये एक किस्म का डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में अमूमन ऐसा होता है कि नाइन थ्री थ्री वन रेशो अपियर होता है नाइन थ्री थ्री वन रेशो लेकिन यहां पर ये नाइन थ्री थ्री वन रेशो के बजाय जो रेशो अपियर हो रहा है वो क्या है नाइन थ्री फोर रेशो तो ये नाइन थ्री फोर रेशो ये एपिस्टेसिस के केस में इस तरह का रेशो अपियर होता है और इसमें अगरचे दो जीन पेयर्स इन्वॉल्व थे लेकिन ट्रेट एक ही इन्वॉल्व है और वो ट्रेट कौन सा है वो है कोट कलर कोट कलर सिर्फ एक ही ट्रेट इसमें इन्वॉल्व है ये अलग बात है कि ये कोट कलर दो डिफरेंट लुसाए से कंट्रोल हो रहा था तो ये इस तरह से एक एपिस्टेसिस का केस है ये जो मैंडेलियन इनहेरिटेंस है उससे बिल्कुल डिवियशन है मैंडल ने इस तरह का कोई फनम कभी नहीं देखा था तो ये बाद के लोगों ने इस तरह की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की हैं जो हमारे सामने आई हैं ठीक है भाई तो आपको एपिस्टेसिस की ये जो एग्जांपल है लेब्राडोर का कोट कलर इसका इनहेरिटेंस पैटर्न बिल्कुल वाजे तौर पर समझ में आ गया होगा अब आपको कोई भी दो लेब्राडोर दिए जाए कि भाई आप इन दोनों को क्रॉस करें तो बताएं कि क्या आगे ऑस्प्रिंग्स में रिजल्ट आने वाला है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है आपने सिंपली उनके जीनोटाइप्स को पुट करना है उनकी गेमिट्स ड्राइव करने हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन वर्कआउट करके रिजल्ट्स को प्रोडक्ट करना है कि ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड अगर आप इसको इससे क्रॉस करें या इसको इससे क्रॉस करें ठीक है तो इस तरह के ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन भी आपसे शेयर किए जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप अपने पास बुक के अंदर भी देखिएगा इस तरह की एक एक्टिविटी दी हुई है और उस एक्टिविटी को आपने जरूर सॉल्व करना है डियर व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल kindly subscribe it and also press the bell icon below So that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also, do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.